हम आपका चैप्टर वन क्लास सिक्स सीवेक्स एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो लुक अराउंड योर क्लासरूम, ठीक है। आपको क्लासरूम में देखना है तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो आपके अराउंड हो गए कोई, क्या आपके जैसा है कोई, ठीक है। आपको ये देखना है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो एक पीपल है वो दूसरे पीपल से अलग कैसे है, अलग अलग वे में, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो सिर्फ इंसान है वो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि जो अलग अलग हो गए, जैसे कि आपका रीजनल कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड से भी अलग अलग होते हैं। दिस डिफरेंस एन रिच आवर लाइफ, ठीक है। इस डिफरेंस से ही क्या होती है, हमारे लाइफ एन रिच होती है अलग अलग वे में, और इससे भी हमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल जो हैं तो वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, रिलीजियस से होते हैं, कल्चर से होते हैं, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग होता है, डाइवर्स भिन्नता अलग अलग होना, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी से भिन्नता से हमारी लाइफ में क्या ऐड होता है, कि इंडिया कैसे भिन्न है, अलग है, और अलग कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में। कैन डाइवर्सिटी बी अ पार्ट ऑफ अ यूनिटी, ठीक है। जो ये अलग अलग डाइवर्सिटी हो गई इसके बावजूद भी क्या ये एक है, क्या ये इक्वल है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, कैसे यूनिटी आती है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे थ्री चिल्ड्रंस ने कुछ अलग अलग ड्राइंग बनाई है जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पर। तो आपको भी क्या करना है, इस बॉक्स में क्या करनी है, ड्राइंग बनानी है अलग। आप अपनी भी बना सकते हैं या फिर कोई भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, यहाँ पर मैन वुमेन, ठीक है, पर आप अपनी बनाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सब ने क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी ड्राइंग एक दूसरे से, क्योंकि सबका जो ड्राइंग स्टाइल क्या होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं बन सकती। तो इसमें और किस किस टर्म्स में होता है आपका, जैसे कि हमें यहाँ से पता चला कि जो ड्राइंग करने का स्टाइल है वो भी अलग है, ठीक है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली, ठीक है, हम सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि जो आपकी लैंग्वेज हो गई, बैकग्राउंड, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, जो बोलते हैं कल्चर अलग होता है, रिलीजियस रिचुअल्स, उसके रिलीजियस बिलीव्स कुछ और होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, इसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको फिल करनी है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, ठीक है, तो आपको सबको ये करना है। एट होम आई स्पीक इन, ठीक है, जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे क्या पसंद है। एट होम आई स्पीक इन, घर में कौन सी भाषा में बोलता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, ठीक है, तो ये भरने आपको। आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट, किसके बारे में बुक पढ़ना पसंद है। तो यहाँ से अब आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी है, उनकी हेल्प से आपको चेक करना है कि कितनों के बच्चों के आंसर सिमिलर है, क्या कोई लिस्ट में ऐसा बच्चा है जो दूसरा बच्चा है क्लास में उससे मैच कर रहा हो आपका आंसर, ठीक है। प्रोबेबली नॉट, ठीक है, मतलब नहीं होगा ऐसा, पर हो सकता है कि बहुत का आंसर सिमिलर हो। हाउ मैनी लाइक यू रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, ठीक है, जैसे कि सेम काइंड ऑफ बुक किसी का आंसर सेम आ सकता है, और जो लैंग्वेज है वो भी सेम आ सकती है, ठीक है, पर आपका प्रोबेबली क्या होगा, अलग ही होगा आंसर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैनी वेज इन विच यू आर, ठीक है, तो कुछ वेज हैं जो आप क्लासमेट के इक्वल हो, मतलब क्लासमेट की और आपकी चीज़ें जो है सिमिलर हैं, और कुछ कुछ बहुत अलग हैं। तो अब पढ़ेंगे हम मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है, तो क्या आपको ये लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी है दोस्त बना उसके साथ जिससे आप वो जो आपसे बहुत डिफरेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, ठीक है, आपको ये स्टोरी पढ़नी है और इसके बारे में सोचना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी है, आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का है, उसने उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें स्टोरी में शुरू से क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक, मैंने ये मजाक में लिया। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्स बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, जोक किसके लिए, जो कि एक न्यूज़पेपर बॉय था जो कि न्यूज़पेपर बेचता था, कहाँ पर, जनपद क्रॉसिंग में, एट द बिजी इंटरेक्शन, ठीक है, वहाँ पर बहुत भीड़ वाले इलाके में। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी, ठीक है, तो जब भी मैं साइकिल चलाता था वहाँ से गुजरता था तो वो लड़का मेरे पास आ जाता भागता हुआ, होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर होता था। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन, ठीक है, तो क्या चिल्लाता था कि इवनिंग हेडलाइन, इवनिंग हेडलाइन, ठीक है, शाम की खबर, ऐसे है ना।
मिक्सचर, तो किस भाषा में बोलता था? हिंदी और इंग्लिश के वर्ड मिक्स होते थे उस भाषा में बोलता था। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, उस टाइम वो रुका तो उसने क्या बोला, जो साइकिल से था लड़का, उसने बोला हिंदी न्यूज़पेपर के लिए। तो उसका जो दूसरा लड़का था उसका मुंह जो है खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? तो जो जो बेच रहा होता है वो पूछता, क्या तुम्हें हिंदी आती है? उसने पूछा, ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। ठीक है, हाँ ज़रूर बिल्कुल, क्यों नहीं आती है, मुझे आती है क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे भी दिए हैं अब इसके न्यूज़पेपर के। वाई वॉट वट डिड यू थिंक कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो वो रुक गया। बट यू लुक सो सो अंग्रेज ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का क्या कहता है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, कि तुम तो ऐसे लगते हो, तुम तो बिल्कुल अंग्रेज़ लगते हो, कि तुम्हें मैंने सोचा तुम्हें हिंदी नहीं आती होगी। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। ठीक है, तो जो साइकिल पे है वो क्या बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे आती है, मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ हिंदी। जो हिंदी है हमारे स्कूल में सब्जेक्ट है, जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट सी आस्क, अब वो बोलने लगा कि सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट, हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन। ठीक है, तो बोलता है मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें अब सब्जेक्ट क्या होता है। वेल इज समथिंग, तो वो बताने लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ होती है। आई बिगन, तो वो बताना शुरू करता है, बट द लाइट्स चेंज थे, पर क्या होती है कि लाइट्स चेंज हो जाती है। लाइट्स मीन्स ट्रैफिक लाइट में है तो लाइट्स चेंज हो जाती है वहाँ से। एंड द हॉन्गिंग बिहाइंड मी ग्रू अ हंड्रेड फोल्ड। तो अब क्या होने लग गया, वहाँ पे बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी, पीछे से गाड़ी हॉर्न मारने लग गई। तो उसने उसको क्या करना पड़ा, आगे जाना पड़ा। ठीक है, तो फिर वो वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर बॉय है, तो ये लड़का है। ठीक, तो ये न्यूज़पेपर बॉय क्या बेचता है, न्यूज़पेपर बेचता है। तो ये लड़का आता है यहाँ से, क्या लेता है इससे, हिंदी का न्यूज़पेपर। तो ये क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है कि क्या तुम्हें हिंदी भी आती है। तो ये बोलता है हाँ ऑफ कोर्स आती है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। तो जैसे ही वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आगे पीछे ट्रैफिक लाइट जो है हो जाती है ग्रीन, तो पीछे से और हॉन्गिंग शुरू हो जाती है जाने के लिए, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। ठीक है, तो अगले दिन भी वो वहीं पर था, मिला उसे, स्माइल की उसने उसकी तरफ, और उसने एक हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था। तो उसने क्या बोला, भैया ही सैड, आपका अखबार। ठीक है, तो उसने क्या बोला, भैया ये आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो उसने पूछा, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। ठीक है, तो उसको क्या लगा, बहुत अजीब सा लगा वो वर्ड, स्ट्रेंज सब्जेक्ट वर्ड उसे बहुत अजीब सा लगा। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एज। तो उसे क्या लग रहा था कि जैसे कि इसका कुछ अलग ही मतलब है इंग्लिश में। ठीक है, टू बी रूल्ड बाय समवन एज। ठीक है, तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा था वर्ड। तो अब आगे देखते हैं, ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड। ठीक है, ये क्या होती है, कुछ पढ़ने की चीज़ होती है, समथिंग टू स्टडी आई सेड। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। ठीक है, तो दोबारा से क्या हो चुकी थी, रेड लाइट हो चुकी थी। तो उसने उसे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो उसने क्या किया, बहुत प्राउडली आंसर किया है, नेवर, नहीं कभी नहीं। आज कि मुझे क्या है, मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं इतना सा था। मतलब वो अपने हाथ से बताता है, मतलब साइकिल के जो उसकी साइकिल सीट रहती है जिस पे लड़का बैठा रहता है, तो उससे अपने हाथ से बताता है कि जब मैं इतना बड़ा छोटा था तो मैं जब से ही काम कर रहा हूँ, कि पहले जो है मेरी मदर मेरे साथ आया करती थी पर अब मैं अकेले ही ये सब करता हूँ। तो वो उससे पूछता है न्यूज़ जो बॉय होता है साइकिल पे, कि तुम्हारी मदर कहाँ है अब आजकल। तो वो बोलता है, पर जैसे ही वो पूछ ये बोलता है तो रेड लाइट दोबारा से ऑफ हो जाती है। तो पीछे से दोबारा से चिल्लाने की आवाज़ आती है ना, हॉर्न की आवाज़ आती है, तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तो पर उसको क्या आवाज़ आती है वहाँ से, तो जैसे ही वो जा रहा होता है तो पीछे से उसे क्या आवाज़ आती है कि शी इज़ इन मेरठ। ठीक है, वो कहाँ पर रहती है कि मेरठ में रहती है वो। ठीक है, तो उसके बाद वो चले गया वहाँ से, उसको ज़्यादा आवाज़ नहीं आई। अब नेक्स्ट डे जब वो मिलते हैं तो वो क्या बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और शाइली जो दूसरा लड़का है,
ठीक है, जो मतलब समीर जो जूसे पर बेचता था उसने नेक्स्ट डे बोला मेरा नाम समीर है, और वो शर्माते हुए पूछता है जो बॉय साइकिल पे कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, इनक्रेडिबल वो भी अचानक से मतलब चौंक गया, वॉबल्ड उसकी साइकिल से थोड़ा हिल गया, और उसने क्या बोला कि मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो उसके क्या हुआ, आँखों में एकदम चमक आ गई जो न्यूज़पेपर बॉयज था, यस आई ग्रिंड एट हिम। ठीक है, तो दोनों तो उसको देखने लग गया, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि ये किसका नाम है, हनुमान फादर, जो हनुमान के पिता हैं। ठीक है, तो हनुमान जी हैं तो उनके जो पिता हैं उनका ही दूसरा नाम है। हाउ यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। ठीक है, तो वो क्या बोलता है उसे कि अब मैं समीर एक हूँ, जो साइकिल पे बॉय है वो बोलता है मैं समीर एक हूँ, तुम समीर दो, है ना, होता है ना जैसे क्लास में अगर दो समीर हैं तो उसका नाम समीर फर्स्ट सेकेंड ऐसे होता है। तो उसको बोला तुम, मैं समीर एक हूँ, तुम समीर दो हो। तो उसने ये कहा, समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड आई हेल्ड माई हैंड। ठीक है, हाथ मिलाओ। तो उसने क्या बोला, हाथ मिलाओ। तो दोनों क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। हिज हैंड नेस्टल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, आई स्टिल फील इट्स वॉर्म्थ। ठीक है, तो द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। तो अगले दिन क्या हुआ, उसके पास जो था मेरे लिए क्या नहीं थी, यूजुअल स्माइल नहीं थी। देर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, क्या हुआ कि मेरठ में बहुत ट्रबल आ चुकी थी, मुश्किल। ठीक है, बहुत से पीपल क्या मारे गए थे, मारे गए थे वहाँ पर, राइट्स मीन्स दंगे होते, जो दंगों में मारे गए थे। आई लुक एट द हेडलाइंस, तो उसने हेडलाइन पे पढ़ा कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स मतलब जाति में जो दंगे होते, जाति को लेकर, कम्युनिटी को लेकर। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर। तो इसमें जो दूसरा समीर था वो कहने लग गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समीर हूँ, ही सैड आंसर। ठीक है, उसने ये बोला, और मेरे जो लोग हैं वो मेरठ में हैं। ठीक है, जो न्यूज़पेपर बॉय था मींस जो वहाँ पर उसको खबर आई उससे वो सैड हो गया था, उदास हो गया था। तो उसने बोला कि मेरे लोग मेरठ में हैं, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जो दूसरा था जो साइकिल पे था, समीर दूसरा वाला, तो उसने उसकी शोल्डर पे हाथ रखा पर उसने ऊपर नहीं दिखा। ठीक है, तो ही वॉज़ नॉट क्रॉसिंग, तो अगले दिन क्रॉसिंग पे नहीं था, नीदर द डे आफ्टर, और उसके दिन अगले दिन के बाद भी। ठीक है, तो ना ही अब उसके पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर था ना हिंदी का, तो वो बोलने लग गया कि समीर दो कहाँ चली गया। ठीक है, द लाइट चेंज बाय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर, जो समीर एक था वो इंग्लिश के साथ बहुत फैमिलियर था, और वो हिंदी भी बोल सकता था, सॉरी, पर जो समीर दो था वो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे आर बोथ मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, पर क्या था, उनकी दोनों की अलग अलग लैंग्वेज थी, पर वो क्या फिर भी एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या लगे, उनके बहुत एफर्ट लगे ये सब करने में, बिकॉज दिस वॉज, क्योंकि उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, समीर एक एंड समीर दो। जो समीर एक और दो थे वो दोनों अलग अलग रिलीजस से थे, कल्चरल बैकग्राउंड से थे, बल्कि जो समीर एक था वो हिंदू था, समीर दो क्या था, मुस्लिम था। डिफरेंट रीजन थे, कल्चर थे, बैकग्राउंड थे उनके। ठीक है, पर फिर भी इससे क्या हो रहा था, डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता है, ये भी क्या है, एक भिन्नता। ठीक है, तो इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, देयर वॉज अनदर वे इन विच समीर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सिर्फ जो रिलीजियस बैकग्राउंड हो गया, कल्चरल, उसके अलावा भी वो कैसे अलग थे एक दूसरे से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, समीर एक क्या था, स्कूल जाता था, और समीर दो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। तो इन वे में भी क्या है, वो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। अब यहाँ पर देखेंगे, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। ठीक है, जो समीर दो था उसका मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल जाने की। कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, और उनको ना उनके पास खाने को होता है, ना पहनने को होता है, और कभी कभी तो उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती है। ठीक है, द डिफरेंस इज़ नॉट द सेम। ठीक है, जो डिफरेंस हो गया मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं, एज द वन वी हैव सीन। ठीक है, तो डिफरेंस और जो हो गया आपका अर्लियर, डिफरेंट इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन। ठीक है, तो एक ही डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब अलग अलग रीज़न है जो एक दूसरे से अलग हैं। हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी।
ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की, क्योंकि डिफरेंस अलग हो गया। डिफरेंस मीन्स मतलब उसके पास अलग चीज़ है, उसके पास अलग चीज़ है, आपका डिफरेंस हो गया। पर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या हो गया, जैसे अब उसके पास वो चीज़ कम है और दूसरे के पास ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी किस वर्ड से आती है, अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी, मतलब जिस पीपल के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी है ना, तो वो क्या पर्सन क्या हो गया, अलग हो गया उस पर्सन से जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। द कास्ट सिस्टम, ऐसे एग्जांपल है आपका कास्ट सिस्टम हो गया इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द, इससे क्या होता है, सोसाइटी ने क्या किया है, ग्रुप्स को उनके काम से, मतलब जो काम करते हैं उस बेसिस पे क्या कर दिया लोगों ने, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता है कि तुम अब इसी ग्रुप्स में रहोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर का काम कर रहे हैं, मटका बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ही मटका ही बनाओगे। पहले क्या होता था, ऐसे ही होता था कि आप भी मटका ही बनाओगे और आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सिस्टम को बदला नहीं जा सकता था पहले, एंड बिकॉज़ यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, ठीक है, और आप अपना प्रोफेशन भी चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आपके लिए क्या था कि सिर्फ आप उस प्रोफेशन के बारे में ही जानोगे और उससे ज़्यादा आपको जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से क्या मैंने आपके इनइक्वालिटी मिली, ठीक है, जाति प्रथा होती थी, मतलब जो जो कास्ट का, अगर छोटी कास्ट का है तो वो छोटी कास्ट में ही वो उसी से रिलेटेड काम करेगा, तो ऐसे होता था पहले इनइक्वालिटीज़। वॉट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू आर लाइफ, ठीक है, तो डाइवर्सिटी से जो भिन्नता, उससे हमारे लाइफ में क्या ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि समीर एक एंड दो क्या थे, फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है। आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो आपसे बहुत अलग होंगे, जो आपसे बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते होंगे, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, अलग तरीके के कपड़े पहनते होंगे और अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे, ठीक है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता होगा, रीडिंग और कहानी सुनना, एडवेंचर्स की होगी, जैसे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स की हो गई, घोस्ट की कहानी, ठीक है। पर आपको स्टोरी बनाने में, अपने आप से भी बनाने में खुद बहुत मज़ा आता होगा, ठीक है। तो बहुत से जो यंग पीपल है, मतलब यंग पीपल हो गए, जवान जवान लोग, ठीक है, उन्हें क्या आता है, खुशी आती है बहुत से लोगों को क्या बनाने में, स्टोरी बनाने में, ठीक है। तो उससे क्या मिलता है उन्हें, इट गिव्स देम्स अ लॉट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो उन्हें बहुत से, जैसे कि वो स्टोरी बनाते हैं, उससे कि उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और दूसरी ज़्यादा स्टोरी बनाने के लिए, ठीक है। पीपल हु राइट स्टोरी एंड गेट दियर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। जो लोग स्टोरी लिखते हैं तो वो कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लेते हैं, वो आपकी बुक से आइडियाज़ लेते हैं, रियल लाइफ से, ठीक है, अपनी रियल लाइफ से, इमेजिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया, जैसे कि कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते होंगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या सुना, जो फॉरेस्ट में उनकी लाइफ थी, फाइट्स फ्रेंडशिप में, किसके फॉरेस्ट में कैसे फ़ाइट हुई, इनकी किन के साथ फ्रेंडशिप हुई, ठीक है। किसी ने क्या पढ़ा होगा, राजा महाराजा के बारे में रखा होगा, तो उन्होंने उनकी कहानी लिख दी, उनकी लव स्टोरी के बारे में और उनकी इज्जत के बारे में, ऑनर के बारे में, रेपुटेशन के बारे में। सम डिप्ड इनटू द चाइल्ड, किसी ने अपने चाइल्डहुड की मेमोरी के बारे में ही पूरा लिख दिया, कि स्कूल के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, एडवेंचर, ऐसे है ना। इमेजिन इफ ऑल स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस, ठीक है। तो यहीं पे आपको ये बताया गया है कि अगर ऐसे ही, अगर इन लोगों को एक जगह पे रहने के लिए बोल दिया जाए, और क्या बोल दिया जाए कि आपको दो ही कलर के कपड़े पहनने हैं, दो ही कलर मतलब दो ही फूड खाने, और आपको जैसे कि पटैटो हो गया है ना, और कुछ भी ऐसे, मतलब सेम ही चीज़ खानी है, सेम ही चीज़ करनी है, और आपको सेम ही एनिमल्स की टेक केयर करनी है, जैसे कि डियर हो गया, कैट हो गया, और अपने आप को कैसे एंटरटेन करना है, बस सांप सीढ़ी खेल के, लूडो, तो क्या सोचते हो आप, कैसी स्टोरी लिखी जाएगी तब, ठीक है। तो सेम ही लिखी जाएगी, है ना, तो भिन्नता होनी बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कैसे भिन्न है लोग एक दूसरे से, ठीक है। भिन्नता से ही क्या होता है, आपको मज़ा भी आता है फिर आगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। थैंक यू।